नमस्कार नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सबका। अब मैं आपको मेरा परिचय दूँ। मैं सावित्री चौधरी जयपुर से। मेरे पिताजी जिन्हें हम चाचा जी कहते थे, वे चोमू के पास एक छोटे से गांव के थे और काम की तलाश में भावल नगर, अब पाकिस्तान, चले गए थे। हम तीनों भाई बहनों का जन्म वहीं हुआ था। 1947 अगस्त में देश के बंटवारे के कारण हुए दंगे से बचाकर चाचा जी हमें अबोहर मंडी पंजाब ले आए थे। वहाँ भी दंगे बढ़ के तो हमें अबोहर से वे रिंगस में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ ले आए थे। कुछ दिन बाद ही चाचा जी हमें 1948 के शुरू में जयपुर ले आए, बड़े भाई और मेरी बड़ी बहन को। पढ़ने का शौक नहीं था, पर मुझे तो पढ़ने का बहुत शौक था। माँ ने मुझे आगे पढ़ने से मना कर दिया, लेकिन मैं तो पड़ोस में रहने वाली एक लड़की अंबिका, जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी, उसके साथ स्कूल गई और बहन जी को आप बीती बताकर कहा कि वहाँ भावल नगर में दूसरी कक्षा में पढ़ती थी मैं, अब दूसरी कक्षा में ही पढ़ना चाहती हूँ। बहन जी ने कहा, तुम्हारी पढ़ाई छूटे काफ़ी समय हो गया है, दूसरी कक्षा में नहीं पहली कक्षा में बैठ जाओ जाकर। पर मैं भावल नगर से अफरा तफरी में आते हुए भी अपनी दूसरी कक्षा की किताब संभाल कर ले आई थी। स्कूल जाते समय वह किताब मैं अपने साथ ले गई थी। बहन जी ने पढ़ने के लिए कहा तो मैंने पाठ फर फर पढ़ कर सुना दिया था, क्योंकि मैं उस किताब के पाठ को वह अन्य प्रश्न उत्तर सब पढ़ती रहती थी, मैंने रट रखे थे। फिर बहन जी ने खुश होकर मुझे दूसरी कक्षा में भर्ती कर लिया था। दूसरी कक्षा में मैं अच्छे नंबरों से पास हो गई। मुझे पुरस्कार मिलने की शुरुआत तो तभी से हो गई थी। बहन जी ने मुझे दो पुरस्कार दिए थे तब। पहला पुरस्कार तो इसलिए दिया था कि मैं साल भर में कभी भी गैर हाजिर नहीं रही थी, और दूसरा पुरस्कार मिला था बहुत सुंदर लिखाई व मात्रा बिंदु की गलती न होने पर। जिस स्कूल में पढ़ने जाती थी वह सरकारी स्कूल था, चांदपोल बाजार की एक गली में। कहाँ पर था ये सब तो अब याद नहीं है। फिर तीसरी कक्षा में पढ़ना शुरू किया ही था कि अगस्त 1950 में चाचा जी हमें श्री गंगानगर ले गए। कारण, उनका यहाँ पर कोई काम भी सुचारू रूप से नहीं चल सका था। गंगानगर जाने के बाद हम जिस मकान में किराए से रहे थे वह काफ़ी बड़ा था। उसमें ही मकान मालिक ने 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने का स्कूल खोल रखा था। माँ ने मना कर दिया कि अब तू घर के काम करना सीख, आगे नहीं पढ़ना। पर मैं तो पढ़ना चाहती थी, इसलिए सुबह जब मास्टर जी बच्चों को पढ़ाना शुरू करते तो मैं भी उनके बीच में जाकर बैठ जाती थी और कुछ देर बैठी रहकर मास्टर जी से पढ़ने के लिए धर्मयुग, कादम्बनी, साप्ताहिक हिंदुस्तान आदि किताबें ले आती थी और पढ़कर उन्हें वापस करके फिर और पत्र पत्रिकाएं ले आती थी। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ये बात भी मैंने हमेशा याद रखी।
वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तस्वीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तस्वीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। अनेकों महिलाएं लड़कियां जो जीवन में कई कारणों से मनचाही कला और मनचाहा काम करने से वंचित रह जाती हैं और कहती है कि घर वालों ने मना कर दिया था, उन सब से मेरा तो यही कहना है कि मन में विश्वास, धैर्य और असीम लगन हो तो चाह है वहाँ राह है, आप अवश्य ही सफल हो सकती हैं। मेरा विवाह भी छोटी उम्र में कर दिया था। विवाह के बाद मेरे पति चौधरी साहब ने भी आगे पढ़ाने से मना कर दिया था कि किताबें तो पढ़ती रहती हो और पढ़ाई करके कौन सी नौकरी करनी है। इस तरह उच्च शिक्षा पाने का अरमान तो मेरे हृदय में दफन हो गया था, लेकिन हर समय कुछ ना कुछ पढ़ते रहने की धुन और लिखना सीखने के जुनून के कारण मैं कभी भी निराश नहीं हुई। आज भी मेरी कलम जोश से चल रही है और सराहनीय लेखन करने का अरमान भी हृदय में बरकरार है। मेरी स्कूली शिक्षा न के बराबर है, मात्र 2 कक्षा तक ही पढ़ी हूँ। मुझे पढ़ने का बहुत ही शौक था लेकिन पढ़ न सकी, पर उच्च कोटि का साहित्य घर पर ही पढ़कर मैं बहुत खुश रहती थी। प्रेमचंद जी, यशपाल जी, उपेंद्र नाथ अश्क, शिवानी आचार्य, चतुरसेन शास्त्री आदि की प्रसिद्ध रचनाएं बार बार पढ़ती और सोचती थी कितना अच्छा लिखा है, मुझे भी लिखने का प्रयास करना चाहिए। कभी पढ़ती और कभी लिखती, फिर छोटी छोटी रचनाएं लिखकर पत्र पत्रिकाओं में भेजने लगी थी। 1981 में राष्ट्रदूत में 14 नवंबर को बाल दिवस के मौके पर मेरा एक छोटा सा लेख छपा था चाचा नेहरू, और उसके प्रकाशित होने पर मुझे 5 रुपये मानदेय के मनीआर्डर द्वारा मिले। तब पता चला था कि रचना छपे तो मानदेय भी मिलता है। धीरे धीरे मेरी रचनाएं 70 पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी। आए दिन रचनाएं प्रकाशित होने के चेक और प्रशंसा पत्र आने लगे। मेरी रचनाओं की संख्या सैकड़ों में है और इतने ही प्रशंसा पत्रों का सिलसिला है, जो कि एक बहुत बड़ा पुलंदा पत्रों का मेरे पास मौजूद है। मुझे भाषाएं सीखने का भी बहुत शौक था, इसी कारण मैंने पंजाबी, उर्दू, गुजराती के अलावा काम चलाऊ अंग्रेज़ी भी पढ़ना सीखा घर में ही। हम घर में तो राजस्थानी बोलते हैं, पर जिस राजस्थानी भाषा में रचनाएं प्रकाशित होती हैं वह भी मुझे सीखनी पड़ी। भाषाएं सीखने का मुझे इतना शौक था कि हमारे नज़दीक चौराहे पे एक ठेले वाला फल बेचता है, तो मैंने देखा उसके पास जो पपीते आते हैं वो गुजराती अखबार में लपेटे हुए होते थे। तो मैंने उससे कहा, भाई मैं तुम्हें हिंदी के अखबार ला के देती हूँ, तुम मुझे ये गुजराती के 4-5 अखबार दे दो, मैं तुम्हें हमेशा दे दिया करूँगी। उसने कहा, ले जाओ, मुझे तो फल लपेटने हैं। उस गुजराती अखबार से मैं बार बार अक्षरों को मिला मिला कर मैंने पढ़ना सीखा गुजराती। इसी तरह मैंने उर्दू, एक मेरी सहेली थी वहीदा रहमान, उनसे भी मैं ये कहती, बहन जी सारे दिन बैठे रहते हैं, मुझे कम से कम आप उर्दू पढ़ना तो सिखा दें। ये 1964 की बात है। तो उन्होंने फिर खुद ही एक प्राइमरी का कायदा मंगवाया और मुझे वो सिखाने लगी। तो अलफ बे ते ये अभी थोड़े से दिन ही हुए थे हमें पढ़ना सीखते हुए मुझे, तो उनका तो वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। फिर मैंने कहा, भाई अब क्या करें, तो मैंने कहा ऐसे करते हैं कि भाई जो जो उर्दू के शब्द हैं उन पे आप मुझे मात्रा लगानी सिखाओ। तो उन पे हिंदी में मैंने मात्राएं लगवा ली, जैसे बार खड़ी है तो काका की है, वो उर्दू के हिसाब से।
अब 64 में जो मैंने थोड़ा सा अलवेद सीखा था, तो आप ये देखिए कि 76 आ गया, 1976। अब कहाँ से कहाँ मैं पहुँच गई। तो मैंने सोचा रे मैं तो उर्दू सीखी थी, वो तो मेरी ऐसे ही रह गई, अब क्या करना चाहिए, पढ़ना तो सीखूँ ना कम से कम। फिर उन अक्षरों को हिंदी के प्राइमरी वालों से अक्षरों से और उर्दू के अक्षरों से एक एक अक्षर को जोड़ जोड़ कर आप ये देखिए कि मैं बहुत जल्दी मैंने वो सारा प्राइमरी का उर्दू का कायदा पढ़ा। और फिर अखबार मंगाने लगी, उर्दू के अखबार पढ़ने लगी, और फिर मैंने उर्दू की कुछ बाल कथाओं का भी अनुवाद किया। और ऐसे ही पंजाबी पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ था, तो गंगानगर में हिंदी, राजस्थानी और पंजाबी धड़ल्ले से बोली जाती है, सभी माहिर हैं जैसे तीनों भाषाओं में। तो मैंने फिर सोचा पंजाबी का कहानी संग्रह या उपन्यास कहाँ से मंगवाऊँ। तो रायसीनगर के डॉक्टर मंगत बादल हैं जो कि 3 भाषाओं में लिखते हैं, हिंदी, राजस्थानी और पंजाबी में। मैंने उन्हें कहा, फ़ोन किया, तो उन्होंने मुझे एक पंजाबी कहानी संग्रह भेजा। उसका मैंने हिंदी और राजस्थानी में अनुवाद करके 2 कहानी संग्रह प्रकाशित करवाए। और उसी कहानी संग्रह की अनुवाद की हुई हिंदी राजस्थानी की कहानियाँ जो है कई पत्र पत्रिकाओं में छपी, और मुझे कई कई प्रशंसा पत्र मिलते रहे। अब छोटे मोटे मैसेज अंग्रेजी के पढ़ना और ये सब मैं ये कहाँ सीखूँगी, किससे पूछूँगी। तो आप ये देखिए कि अंग्रेजी भी मैंने घर में ही अक्षरों को जोड़ जोड़ के काम चलाऊ पढ़ना सीखा। तो ये एक मेरी पढ़ने की लगन और मेरी रुचि थी, तो मैं इस तरह से अपने हिसाब से ही मैंने 5-6 भाषाएं सीख ली। और मैंने एक प्रसिद्ध लेखक की नसीहत पढ़ी थी कि पढ़ो टन भर लिखो कन भर। ये जो मैं थोड़ा बहुत लिख सकी हूँ ये नतीजा है उच्च कोटि के साहित्य को पढ़ने का, चिंतन मनन करने का। और मात्रा बिंदु का मैंने हमेशा इतना ध्यान रखा कि चाहे मुझे एक रचना 10 बार भी क्यों ना देखनी पड़े, और अखबार पत्रिकाओं में देखकर मैंने हमेशा मेरी गलतियाँ सुधारी। आज तक मैं कभी भी किसी के पास नहीं गई कि मेरी गलतियाँ सुधारो, मेरा ये करेक्शन कर दो। एक कहानी प्रतियोगिता में 13 कहानियों का चयन हुआ, उसमें सिर्फ एक मेरी कहानी ऐसी थी जिसमें मात्रा बिंदु की एक भी गलती नहीं थी। तो डॉक्टर विमला भंडारी जो सलूम्बर की प्रसिद्ध लेखिका हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि 13 कहानियों में सिर्फ एक आपकी कहानी ऐसी है कि जिसमें एक भी गलती नहीं मिली। अब मैं ये सोचती हूँ कि अपने काम अपने मतलब के लिए किसी दूसरे का टाइम क्यों जाया किया जाए। तो पहले लिख लेती हूँ रचना, और फिर कितनी कितनी बार उसको अखबार में देख के मेरी गलतियाँ हैं उनको सही करती हूँ मैं। मुझे वैसे तो अनेकों पुरस्कार मिल चुके हैं प्रकाशित हुई पुस्तकों, कहानियों और लघु कथाओं पर, लेकिन 10 मार्च 2013 को मुझे राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर ने आगीवान सम्मान से सम्मानित किया, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। तब राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्याम जी महर्षि थे, तो मैं उनका बहुत बहुत आज भी आभार मानती हूँ। रवि जी पुरोहित ने भी हमेशा मेरे बहुत उत्साहित करते रहे मुझे, उस समय रवि जी भी वहाँ थे। और 10 मार्च 2019 को कमला गोयनका फाउंडेशन की ओर से श्री श्याम सुंदर जी गोयनका जी ने मुझे महाराणा प्रताप सभागार में रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत राजस्थानी महिला पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो लगा मानो रोशनी से जगमगा रहे सभागार में सुनहरी सपना देख रही हूँ। 2017 में ये पुरस्कार जोधपुर की डॉक्टर जीवा रशीद को मिला, और उससे पहले 2015 में कोटा की कमला कमलेश जी को मिला था। तो मैं जाती थी समारोह में, मैं सोचती कितना कितना अच्छा लिखते हैं, इतना बड़ा इन्हें पुरस्कार मिलता है, क्या कभी मैं भी ऐसा लिखूँगी, क्या मुझे भी कभी ये पुरस्कार मिलेगा। और जब मुझे ये मिला तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
1978 से पहले मैं सोचा करती थी क्या कभी मेरी लिखी कोई भी रचना, कोई भी किताब कभी प्रकाशित होगी का, क्या कभी मेरी प्रकाशित हुई रचनाओं की भी किताब प्रकाशित होगी। पर ऐसा समय भी आ गया कि मेरी रचनाएं धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बनी, नंदन, बाल भारती आदि में छपने लगी। फिर तो मैं गुनगुनाने लगी थी खुशी के मारे, हर सपने को अपनी सांसों में समेटे रखो, हर सपने को अपनी सांसों में समेटे रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हार जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी बाहों में रखो, हार जीत हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी बाहों में रखो। जो भी कार्य हम करना चाहें उसके लिए लगन, असीम धैर्य और धुन होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है, मुझे सफलता लेनी है। कोई भी काम अपने करेंगे तो उसमें बाधाएं तो आती है। मैंने मेरा टाइम कभी भी किटी पार्टी है, हाउजी है या और है, इनमें कभी मेरा समय मैंने जाया नहीं किया। हमेशा बस अपना काम से काम घर का कर लिया और जैसे जो फुर्सत का टाइम मिला और अपने लिखने पढ़ने में लगा दिया। पहले पहले मुझे ऐसे लगता था कि मैं कभी लिख नहीं पाऊंगी, लेकिन मैंने फिर भी एक लगन, एक धुन मेरे लगी रही, जब सब इतना सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। कभी मैंने पढ़ा, बार बार पढ़ती थी कि किसी पुस्तक में कहानी संग्रह या उपन्यास को 2 बार पुरस्कार मिला तो मैंने सोचा कितना कितना अच्छा लिखा है, एक ही किताब को 2 बार पुरस्कार मिल गया, बड़ी आश्चर्य की बात है। मुझे तो अगर एक बार ही मिल जाए तो भी मैं शुक्र मनाऊं, धन्यवाद दूं ईश्वर को, माँ शारदा को। मैंने राजस्थानी बाल कथा संग्रह लिखा हरख रधिवला, उसे 2016 में सलूपर से डॉक्टर विमला भंडारी ने पुरस्कृत किया। फिर 2017 में प्रसिद्ध बाल कथा, बाल साहित्य कथाकार राजकुमार जी राजन ने मुझे दोबारा उसी बाल कथा संग्रह हरख रधिवला पर पुरस्कृत किया। तो मैंने, मुझे लगा रहे, मैं जो सोचती थी मेरे भी ऐसा एक, मैंने बाल कथा संग्रह लिखा जिस पर मुझे 2 बार पुरस्कार मिला। ...2008 में प्रकाशित करवाया मेरा प्रथम राजस्थानी कहानी संग्रह मन चाहिए आ जाती, उसका एक अंक मैं हमारे नज़दीक जवाहर नगर में रहने वाले राजस्थान के प्रसिद्ध प्रकाशक और पुस्तक विक्रेता चंपालाल जी रांका को देकर आई थी पढ़ने के लिए। वो विदेशों में भी किताबें भेजा करते थे, यूनिवर्सिटी में किताबें सप्लाई करते थे। उन्होंने क्या किया कि अपनी किताबों के पैकेट के साथ मेरा वो कहानी संग्रह मनचाही आज़ादी वहाँ भेज दिया, दी यूनाइटेड स्टेट्स लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाशिंगटन USA में। तो मैं वहाँ एक दिन मिलने गई, मैंने कहा रांका साहब आपको कैसा लगा वो कहानी संग्रह, उसकी कहानियाँ। उन्होंने कहा कि आप तो आजकल अमेरिका में आपका कहानी संग्रह पढ़ा जा रहा है। मैंने कहा कहाँ तो अमेरिका रांका साहब और कहाँ मैं, पता नहीं क्या गोलमाल बात कर रहे हो, मैं तो समझी नहीं। तब उन्होंने मुझे बताया कि आपका कहानी संग्रह मैंने वहाँ भेजा और वो वहाँ पर उसकी कहानियाँ पसंद की गई, तो आप मुझे 50 अंक और ला कर दें, वहाँ भिजवाने हैं। तो मैं उन्हें वो 50 अंक दे कर आई, तो वो मेरा प्रथम कहानी संग्रह वहाँ अमेरिका की उस लाइब्रेरी में मौजूद है। प्रथम बार हिंदी में लिखा ऐतिहासिक नाटक प्रीत का मध आकाशवाणी जयपुर से 2005 में प्रसारित हुआ था। उस पर भी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहाँ तो मैं सोचती थी कि मेरी 2-4 लाइनें कभी प्रकाशित होगी या कोई छोटी रचना भी छपेगी, पर ये तो कमाल की बात है कि मैंने नाटक लिखा और वो प्रसारित भी हुआ। 64-65 में मैं ये पढ़ने लिखने का ये सब शौक़ था, लेकिन मुझे किताबें नहीं मिलती थी,
तो मैं रेडियो पे नाटक, कविताएं, कहानियां ये सब बहुत सुनती थी। तो मेरे मन में बड़ी तरसना थी, क्या कभी कोई ऐसा दिन भी आएगा कि भाई लो ये आकाशवाणी जयपुर है, अब आप सावित्री चौधरी से उनकी कहानी, नाटक, वार्ता ये सुनिए। इस तरह से सोचते सोचते आप देखो कि वो समय आ गया कि वो नाटक 2005 में आकाशवाणी से प्रसारित हुआ। तो मेरा सपना जो मैं सोचा करती थी वो साकार हुआ और 1983 से ही आकाशवाणी जयपुर से मेरी राजस्थानी कहानियाँ प्रसारित हो रही है। अब तक मेरी 17 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 18वीं पुस्तक राजस्थानी लघु कथा संग्रह अनपढ़ प्रकाशित होकर आने वाली है। अब मैं आपको मेरी कुछ लघु कथाएं सुना रही हूँ। मेरी ये लघु कथाएं जीवन के छोटे छोटे अंशों को सूक्ष्म दर्शक यंत्र से देखने का प्रयास करती हैं। सूक्ष्मतर संवेदनाओं को वहन कर उन्हें प्रभावी तरीके से पाठकों, श्रोताओं तक संप्रेषित करती है और उन्हें कुछ सोचने पर विवश कर देती है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है ये पल जब लघु कथा में आकार पाते हैं तो एक पूरे परिवेश का बिंब प्रस्तुत करते हैं और देखन में छोटी लगे घाव करे गंभीर की भांति घाव कर सकने की क्षमता भी रखती हैं। ये लघु कथाएं इर्द गिर्द बिखरे यथार्थ का दस्तावेज हैं और मन में एक टीस पैदा करती हैं। इंसान को इंसान की भोगी हुई पीड़ा से अनुभूत दर्द से परिचय कराती हैं और समाज की विद्रूपता को उजागर करती हैं। कमेंट्स जो भी आ रहे हैं मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं सबको धन्यवाद देती हूँ जो भी आपके कमेंट्स हैं उनके लिए। बहुत अच्छी बात है आप सुन रहे हैं ध्यान से, और जो भी जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत आभार मानती हूँ। अब ये मैं लघु कथा अंतर है, लघु कथा अंतर पढ़ रही हूँ। वेग से उड़ती आंधी छोटी बहन हवा के पास आकर थमी और पूछा, क्या तुम मेरे समान शक्ति नहीं चाहती? हवा ने कोई उत्तर नहीं दिया। आंधी ने छोटी बहन हवा की ओर देखा और गर्व से कहा, देखो जिस समय मैं उठती हूँ उस समय लोग दूर दूर तक तूफान के संकेतों से मेरे आने की सूचना चारों दिशाओं में भेज देते हैं। मैं चलती हूँ तो पेड़ों को जड़ों से उखाड़ देती हूँ। मैं समुद्र के साथ ऐसा खिलवाड़ करती हूँ कि लहरों को पर्वत की ऊंचाई पर उछाल देती हूँ। लोग मुझे देखकर भय के मारे अपने घरों में घुस जाते हैं। पशु पक्षी अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। मजबूत से मजबूत भवन मेरी ताकत से हिलने लगते हैं। चारों ओर मेरा आतंक छा जाता है। इतना कहकर आंधी ने फिर पूछा, क्या तुम नहीं चाहती मेरे जैसी शक्ति तुम्हें भी समा जाए? हवा ने कोई जवाब नहीं दिया। आंधी को उसी तरह आश्चर्यचकित छोड़कर हवा अपनी राह पर चल पड़ी। उसे आता देख नदियाँ, तालाब, जंगल सब मुस्कराने लगे। यह दिलकश नज़ारा देखकर आंधी को निर्माण और ध्वंस का अंतर समझ में आ गया। इस लघु कथा का शीर्षक है ईमानदारी का गुलाम। ऑटो वाले को एक युवक से झगड़ते देख कुछ दूरी पर खड़े एक सिपाही ने आकर पूछा, क्यों शोर मचा रहे हो? युवक ने कहा, स्टेशन से सांगानेरी गेट का किराया 100 रुपये मांगा तो मैं ऑटो में बैठ गया। अब यहाँ गेट पर उतरने के बाद कहता है, रात का समय है, 2 गुना किराया 200 रुपये देने पड़ेंगे, जबकि मैं खुद ही 150 तो दे रहा हूँ। पर ये ले नहीं रहा, बहस कर रहा है, मुझे देख लेने की धमकी भी दे रहा है। हाथ में पकड़े हुए 150 रुपये भी उसने सिपाही को दिखा दिए। युवक से 150 रुपये सिपाही ने ले लिए।
फिर 50 का नोट ड्राइवर की ओर करते हुए सख्ती से कहा, सही किराया तो इतना ही बनता है, चुपचाप लेकर चलता बन, साला बेईमान कहीं का, 50 के बजाय 150 किराया तो मैं दूंगा तुझे, चल थाने में। सिपाही की धमकी सुन उसने 50 का नोट चुपचाप ले लिया। फिर वहां से रवाना होने में ही ड्राइवर ने अपनी खैरियत समझी। फिर युवक को सिपाही ने 100 का नोट वापस दिया और आत्मीयता से पूछा, कोई और सेवा हो तो बताओ दोस्त, मैं तो आपकी ईमानदारी का गुलाम हो गया हूँ, और गुलाम सेवा कैसे ले सकता है। कहकर युवक जोर से हंस पड़ा। गर्म जोशी के साथ हाथ मिलाया उसने सिपाही से और चल दिया। इस लघु कथा का शीर्षक है जैसे को तैसा। HM बेटे की शादी का कार्ड अपने बराबर वालों को देने के लिए तो स्वयं गई थी, पर कॉलोनी में रहने वाली टीचर को शादी का कार्ड काम वाली बाई के हाथ भिजवा दिया। यह बात टीचर रंजना को बहुत बुरी लगी। HM ने स्कूल में आने पर झूठा बहाना बनाते हुए टीचर रंजना से कहा, मैं तो शॉपिंग में बिजी थी, इसलिए तुम्हें बेटे की शादी का कार्ड देने न आ सकी, पर तुम्हें तो शादी में आना चाहिए था, मैं तो तुम्हारी राह देखती रही आने की। अच्छा तो मैडम जी, काम वाली बाई के हाथ शादी का कार्ड आपने भिजवाया था, पर मैंने तो ध्यान से देखा ही नहीं, न गौर से पढ़ा, मैं समझी काम वाली के बेटे की शादी है, उसी का कार्ड देने आई है, सो उसी समय मैंने तो उसे शगुन के रुपए थमा दिए। सोचा कच्ची बस्ती में जाने कहाँ रहती है, इसकी झोंपड़ी को कहाँ कहाँ ढूंढती फिरूंगी। जूनियर टीचर का जवाब जैसे को तैसा था, जिसे सुनकर HM को अपनी घटिया सोच पर बहुत शर्म आई। वे सिर झुकाए अपने ऑफिस की ओर चल पड़ी। इस लघु कथा का शीर्षक है पारसाई पति। नववधू के बार बार मना करने पर भी उसने अपने प्रेम संबंधों के बारे में रुंधे कंठ से बताया और अपराध भाव से नजरें नीची कर माफ़ी भी मांग ली। उसका मन पति के चरणों में लौट गया। सोचने लगी, मैं तो ऐसा ही पारसाई पति चाहती थी, होश संभाला तभी से ही सोमवार का व्रत करने लगी थी, अच्छा घर वर मिलने की मन्नत मानकर, आज मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई, अब तो मैं जिंदगी भर करती रहूँगी सोमवार का व्रत। वह माफ़ी मांगने के बाद मोबाइल के बटन दबा रहा था। नववधु ने सोचा, अपने जिगरी दोस्त को मैसेज कर रहे होंगे कि अब हम हनीमून मनाने जाएंगे। पति की सत्यवादिता से प्रभावित होकर उसने भी डरते सहमते हुए आंखें झुकाकर कॉलेज के सहपाठी से अपने अफेयर की बात बता दी और हाथ जोड़कर क्षमा मांग ली। फिर लरजते स्वर में कहा, आज हमने अग्नि के सामने एक दूसरे के प्रति वफादार रहने की, हर हाल में संग साथ निभाने की कस्में खाई हैं, कोल करार किए हैं, हम अब दोनों ही भुला देंगे कि कभी हमने किसी को चाहा। सारी चरित्रहीन उसकी बात पूरी होने से पहले ही पति ने उल्टे सीधे थप्पड़ उसके मुंह पर मारते हुए घृणा भाव से कहा, तेरा किसी लड़के से अफेयर था या नहीं, यह बात उगलवाने के लिए ही मैंने अपने प्रेम प्रसंगों की जो बात बताई है वे सब झूठी हैं, मनगढ़ंत थी, तूने कॉलेज के सहपाठी से अफेयर की बात स्वीकार की है, उन्हें मैंने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया है, अब मैं इसी आधार पर तुझसे तलाक लूँगा, या निकल बदकार मेरे कमरे से, मैं तेरे जैसी लूज करेक्टर की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अंट शंट बकते हुए उसने नववधु को धक्के मारकर कमरे से निकाल दी और दरवाज़ा बंद कर लिया भड़ाक से। आप सबको बहुत नमस्कार प्रणाम। शायद अब तो आप सभी सुन रहे होंगे, मुझे भी अच्छा लग रहा है, कमेंट तो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मेरी तरफ़ से फिर भी मैं आप सबको धन्यवाद दे रही हूँ कि आप सुन रहे हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है जो भी आपके कमेंट आ रहे हैं, कोई पढ़ पा रही हूँ कोई नहीं पढ़ पा रही हूँ, फिर भी मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, एहसानमंद हूँ आपकी।
इस लघु कथा का शीर्षक है काल। काल ने पृथ्वी लोक से मृत आत्माएं लाने के लिए माँ के चरण स्पर्श कर जाने की आज्ञा मांगी, पर माँ ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें पुत्र का काम बहुत बुरा लगता था। काल उसी दिन माँ को लेकर पृथ्वी लोक गया और कई ऐसे घरों में ले गया जहाँ रोते बिलखते सज्जन अपने प्रिय की अर्थी तैयार कर रहे थे। काल ने मानव देह धारण कर पूछा कि यह व्यक्ति कैसे चल बसा। एक व्यक्ति ने बताया, शराब ज़्यादा पीने से मरा है। किसी ने कहा, यह लड़का बाइक बहुत तेज चलाता था, एक्सीडेंट में जान गंवा दी। किसी ने कहा, कैंसर ने जान ले ली। किसी ने कहा, कर्ज न उतार सका इसलिए आत्महत्या कर ली। दैवीय शक्ति से अदृश्य होकर एक और खड़ी माँ के पास जाकर काल ने कहा, माँ देखा और सुना भी आपने, मुझे किसी ने दोष नहीं दिया। मातेश्री, जन्म और मरण तो विधि का विधान है। मृत आत्माएं लाने का कार्य मैं छोड़ भी दूंगा तो भी कोई ना कोई तो वह कार्य करेगा ही। अब आप सोचकर बताएं, क्या मैं दोषी हूँ मृत आत्माएं लाने का? नहीं पुत्र, तुम निर्दोष हो, माँ ने शांत चित्त से कहा। इस लघु कथा का शीर्षक है कामचोर। क्या बात है, आज स्कूल नहीं गई। उन्हें उनके घर पर चल रहे चेजे के काम पर खड़ी देखकर पड़ोसन ने पूछा, गई थी, हाजिरी लगा कर आ गई? यदि सिर पर ना खड़े रहो तो ये लोग काम नहीं करते, बातें करते हैं, बीड़ी फूंकते रहेंगे, कारीगर खाम खाइंट तोड़ते रहेंगे या हथौड़े से दीवार को ठोकने पीटने लगेंगे। पर आप तो HMO, रोजाना छुट्टी कैसे मिल जाती है, कोई शिकायत नहीं करता? पड़ोसन ने उनकी ओर देखते हुए फिर प्रश्न उछाला, सच बात कहने से कौन छुट्टी देता है? कभी शिक्षा संकुल जाने का कह देती हूँ, कभी मैं बैंक का नाम, ऐसे ही बस सब चलता रहता है, बखत बेबखती। DEO को साहब को खुश कर दो, फिर शिकायत करने वालों की कौन सुनता है? पड़ोसन को जवाब देते हुए अचानक उनकी नज़र सामने वाले कारीगर की ओर चली गई। कहा, अरे क्यों, कब से हाथ पकड़े हुए इधर उधर घूम रहा है? मैडम जी, हथौड़े से चोट लगी है, खून निकल रहा है, पट्टी बांधने के लिए कोई लीर ढूंढ रहा हूँ, देखकर काम नहीं कर सकता? बस तुम्हें तो कोई ना कोई बहाना चाहिए आराम करने के लिए। यदि समय पर काम नहीं किया तो दिहाड़ी काटने पर ही अकल ठिकाने आएगी, काम जोर कहीं का, वे क्रोध से गरजी। उनकी बात सुनकर पड़ोसन उनके मुंह की ओर ताकने लगी हैरानी से कि ये शब्द उनके मुंह से निकल रहे हैं जो कि स्वयं स्कूल में झूठ बोल कर आई है। इस लघु कथा का शीर्षक है बुद्धू। एक चरवाहा जंगल में भेड़ बकरियां चराया करता था। उसके मन में आया कि क्यों न लोगों को मूर्ख बनाया जाए। उसने टीले पर चढ़कर शोर मचाना शुरू कर दिया, शेर आ गया, शेर आ गया। चरवाहे का शोर सुनकर लोग गंडासे, बर्छी, खुरपी आदि लेकर जब वहां पहुंचे तो चरवाहे से पूछा, शेर कहाँ है? उसने कहा, कहीं नहीं, मैं तो आपसे मजाक कर रहा था। लोग बुराते हुए लौट गए। 5 दिन बाद शेर सचमुच ही आ गया। चरवाहे ने चिल्लाना शुरू किया, शेर आ गया, शेर आ गया। लोगों ने उसका शोर सुना पर किसी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। सोचा, शायद चरवाहा आज फिर हमें बुद्धू बना रहा है, इसलिए उनमें से कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं गया। शेर उसको मारकर चट कर गया। पर उसी गांव में एक मदारी आया, डुगडुगी बजाई, लोगों को इकट्ठा करके भाषण झाड़ा, सभी को कुछ ही दिनों में गरीब से अमीर होने का झांसा दिया, लोग वोट लिए, जीत गया, मंत्री बन गया, पर फिर उन लोगों की ओर ध्यान नहीं दिया। साला हमको बेवकूफ़ बना गया, अगली बार आने दो, लोगों ने सोचा। अगली बार वह फिर आया, डुगडुगी बजाई, भाषण झाड़े, नए नए वायदे किए,
जिसके प्रभाव से लोगों ने फिर उसी को वोट दिए। वह जीत गया, मंत्री बन गया, किंतु फिर उसने किसी की बात नहीं पूछी। लोगों ने फिर सोचा, साला इस बार फिर मूर्ख बना गया, अगली बार आने दो, फिर देखेंगे। पर वह मदारी हर 5 साल बाद उसी गांव में वैसे ही आता है, डुगडुगी बजाता है, नए नए कोल करार करता है, झांसे देता है, और लोग हैं कि उसी तरह आराम से बुद्धू बनते आ रहे हैं। हंसूं या रोऊं, इस लघु कथा का शीर्षक है। उस दिन पार्टी से लौटते ही पति ने जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, साली बेवकूफ औरत, खुशी के मौके पर भी कैसे मुंह सूजा रखा था, जैसे जगत सेठ की बेटी हो। किसी की खुशी में हंसने, मुस्कुराने और खुश होने में कौन से नोट खर्चने पड़ते हैं, घमंडी कहीं की ऐसी पागल और फूहड़ है कि सभा सोसाइटी में जाने का भी शऊर नहीं है। और आज भी आते ही उसने उल्टे सीधे कई झापड़ जड़ दिए। राम जाती कहीं की बड़े घराने की महिला के ऐसे कुलक्षण होते हैं, सबसे हंस हंस कर बोलना, बेशर्म की तरह हंसना, खिलखिलाना। आखिर में हमारे घराने की भी कोई मान मर्यादा है, बेहया हो तुम तो अव्वल दर्जे की। थप्पड़ों के चिरमराट से गालों को सहलाती हुई वह सोच रही थी, हंसूं या रोऊं। इस लघु कथा का शीर्षक है झोंपड़ी। सेठ जी की इमारत के सामने ही कंगले की झोंपड़ी थी, कई मंजिला इमारत, आकाश से इतरा इतरा कर बातें करती। उसे अपनी ऊंचाई का गर्व, विशालता का अहंकार। झोंपड़ी जमीन की गोद में सिमटी दबी सी अपना अस्तित्व बनाए जीवन के दिन बिताती। उसे अपनी लघुता का ज्ञान तो निर्बलता का भान। इमारत कभी झोंपड़ी की ओर देखती तो उसके चेहरे पर चमकती लघुता की हंसी, और झोंपड़ी कभी इमारत की ओर सिर ऊंचा करती तो उस पर आप ही छा जाता हीनता का आभास। एक दिन प्रातःकाल ही आकाश से तूफान उठा, पहले ही फटकारे में झोंपड़ी का शह तीर और छप्पर जमीन पर आ पड़े। इमारत वैसे की वैसे खड़ी थी। उसने झोंपड़ी की दुर्दशा देखी तो और भी तन सी गई, हंसी उसके होठों पर क्या आई, रोम रोम से फूट रही थी। झोंपड़ी टसक रही थी बेचारी, इमारत को हंसी उसने सुनी तो हूक उठी, बोली कुछ भी नहीं। शाम को कंगला बाहर से आया तो साथ में कुछ और भी कंगले आए, और फिर हाथों हाथ खड़ा कर दिया शहतीर और उस पर उठा कर रख दिया छप्पर। अब झोंपड़ी फिर पहले जैसी की जैसी खड़ी थी। एक दिन फिर प्रातःकाल में ही जमीन से उठा अचानक भूकंप, पहले ही झटके में इमारत की दीवारों में दरार पड़ गई, दूसरे में खंभे चटक गए और तीसरे झटके में छते जमीन की छाती पर इस तरह पसर गई जैसे ईंट पत्थर और रोड़ी के सिवाय कभी कुछ और थे ही नहीं। सेठ जी आकर इधर उधर फिरे, इंजीनियर आए दाएं बाएं फिरे, पर इमारत तो ओंधे मुंह पड़ी थी सो पड़ी रही। वह अब मलबे का ढेर थी, मलबे का ढेर ही रही। झोंपड़ी वैसी की वैसी खड़ी थी। उसने इमारत की दुर्दशा देखी तो वह कांप गई, पर उसके गले से बोल ही नहीं निकले। इस लघु कथा का शीर्षक है आकांक्षा। जुलाहा, बड़ी बढ़ई और कब्र खोदने वाला, ये तीनों मित्र एक होटल में जा बैठे। जुलाहे ने बताया, आज मैंने बढ़िया कपड़े का कफन 2 स्वर्ण मुद्राओं में बेचा है, इसलिए हम तीनों जी भरकर शराब पियेंगे। बढ़ई कहने लगा, आज मैंने भी बहुत महंगा ताबूत बेचा है, इसलिए शराब के साथ कबाब भी खाएंगे। कब्र खोदने वाले ने कहा, मुझे भी एक मृतक के घर वालों ने 2 रुपए दिए हैं, इसलिए रात का खाना भी यहीं खाएंगे। तीनों ही बढ़ चढ़ कर चीज़ों का आर्डर देने लगे। उन्हें इस तरह खर्चा करते देख होटल के मालिक ने पत्नी से कहा, यदि ये तीनों यहाँ आकर रोज़ाना खर्च इसी तरह करते रहे
तो हमारे बेटे को इस होटल के कामों में खपने की आवश्यकता न रहे, फिर हम उसे उच्च शिक्षा दिलाकर बड़ा डॉक्टर बना सकेंगे। इस लघु कथा का शीर्षक है शानदार लिफाफा। जिंदगी में पहली बार बैंक मैनेजर मैडम की बेटी के विवाह में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र आया था। वह लेखिका थी और मैडम भी साहित्य की रसिया थी, इस कारण उसका बहुत सम्मान करती थी। नहीं तो उस जैसी टाइपिस्ट को इतनी बड़ी अधिकारी के बंगले के सामने से भी भला चौकीदार कैसे जाने देता। निमंत्रण पत्र पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई उसे। वह विवाह में शामिल होने के लिए नियत समय पर जा पहुंची। विवाह की व्यवस्था होटल में की हुई थी जिसमें बड़े बड़े रही शामिल हुए थे। उसने हाथ जोड़कर बड़े अदब से नमस्कार किया। मैडम मित्रों से घिरी हुई थी, कोई जवाब न दिया। जो भी आता दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करता और खूबसूरत लिफाफा मैडम को थमा देता। कुछ देर ये सब देखती रही, फिर उसने अपने एक परिचित से पूछा, शगुन मगन दे दिया क्या? मैंने तो दे दिया, कितने का? भाई शगुन तो 11, 21, 51 या 100 का ही होता है, बाकी तो अधिकारी के लिए रिश्वत, मित्रों के लिए मदद होती है, जो तुम चाहो दे दो। परिचित की बात सुनकर वह फिर उलझन में पड़ गई। उसको इस तरह सोच में डूबा देखकर उसकी परिचित ने पूछा, लिफाफा सुंदर लाई हो क्या? वह किस लिए? तुम्हें अभी तक भी यह पता नहीं? ये लो आकर्षक लिफाफा, एक और जाकर इसमें रखो शगुन के रूप में, ऊपर लिखो अपना नाम। देखने वालों को पता ही नहीं चलेगा कि किसने कितने रुपए शगुन में दिए। इस तरह सभी का पर्दा बना रहता है लिफाफे में रखने से। परिचित की बात सुनकर उसको लगा शानदार लिफाफे के कारण जैसे वह भरी सभा में बेपर्दा होने से बच गई। इस लघु कथा का शीर्षक है परख। साहब जी, एसपी साहब के बेटे को आपने रंगे हाथों पकड़ा है, पर छोड़ देना चाहिए। कारण, क्रोधी स्वभाव के एसपी साहब के सामने कानून का पक्ष लिया तो शर्तिया वे आपको बोली। इसी डरी आवाज़ में राय दे रहे सिपाही ने एसपी साहब को जीप से उतरते देख भय के मारे बात अधूरी छोड़ दी। सर जय हिंद, दरोगा जी ने अदब से कहा तो वे अंट शंट बकने लगे, किंतु उन्होंने दबंगता से बताया, सर आपके बेटे को मैंने रंगे हाथों पकड़ा है, कल रिमांड। नहीं नहीं, तुम मेरे बेटे का रिमांड नहीं लोगे, यह मेरा हुक्म है। सर कानून के सामने तो पावरफुल अधिकारी हो या मंत्री कोई मायने नहीं। बंद करो बकवास, थाने जल्दी पहुंचने की हड़बड़ी में रिवाल्वर लाना भूल गया, नहीं तो तुम पर ईमानदारी उसूलों और सिद्धांतों का चढ़ा नशा उतार देता अभी। कल तो थानेदार बने हो, आज ही तानाशाही दिखानी शुरू कर दी। तुम जैसे कई नए रंग रूट को मैं थानेदारी करना भुला चुका हूँ, जानते नहीं? वरना मेरे सामने तुम चूँ भी नहीं करते। तुम्हारी तरक्की तो क्या थानेदारी भी जा सकती है, सोच लेना। सर ईमानदारी उसूलों और सिद्धांतों के लिए मैं थानेदारी हजारों बटर कुर्बान कर सकता हूँ, वे स्वाभिमान से तनते हुए बोले। इंसान ईमानदार के आत्मबल का आपको पता नहीं है, तभी तो मुझे डरा धमका रहे हैं आप, दबंगता से कहा उन्होंने। और आत्मबल से जगमगा रही आंखों से उनकी ओर देखा तो रोबदार चेहरे पर कालिमा सी छा गई एसपी साहब के। वे मन ही मन में स्वयं को बहुत गिरा हुआ इंसान समझने लगे। तभी तो वे तू तड़ाक की बजाय सम्मान से बोल पड़े, दरोगा जी मेरी धमकियों का बुरा मत मानिए, मैं तो आपको परख रहा था। मेरे बेटे को रंगे हाथों हीरोइन की तस्करी करते हुए गिरफ्तार कर आपने शाबाशी का काम किया है, मेरी भी आंखें खोल दी। आपकी तारीफ करने को मुझे शब्द ही नहीं सूझ रहे हैं। इस लघु कथा का शीर्षक है स्वर्ग का अधिकारी। जय और विजय।
विधाता के सबसे निकटवर्ती पार्षद थे। एक बार विधाता ने उन दोनों को धरती पर भेजा और उनको आदेश दिया कि यह पता लगा कर आएँ कि धरती पर स्वर्ग का सच्चा अधिकारी कौन है। जय और विजय धरती पर पहुँचे और वेश बदल कर उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी का दौरा किया। उन्होंने देखा कि लोग स्वर्ग में जाने के लिए तरह तरह के कर्म कांडों में लीन हैं। एक दिन वे घूमते हुए एक गांव में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि रात्रि के समय एक नेत्रहीन अपने पास एक दीपक रख कर बैठा है। जय और विजय उसके पास गए और पूछा, क्यों बाबा, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, फिर दीपक किस लिए जलाया हुआ है? बंधु, मैं भले ही नहीं देख पाता, पर जो देख पाते हैं वे तो इसके प्रकाश से ही सही मार्ग पर चल सकते हैं। बाबा ने कहा। जय विजय ने पूछा, क्या तुम कोई पूजा पाठ नहीं करते? तुम्हें स्वर्ग नहीं जाना? वृद्ध ने जवाब दिया, पूजा पाठ क्या होता है, स्वर्ग किसे कहते हैं, मैं तो नहीं जानता। मैं तो मात्र भटके हुए यात्रियों को राह दिखाने का कार्य करता हूँ। इसके अलावा और किसी पूजा उपासना में से मैं तो अनजान हूँ। जय विजय ने लौटकर विधाता को सारा विवरण सुनाया। सब बातें सुनकर विधाता बोले, दूसरा कोई हो या न हो, परंतु यह नेत्रहीन तो निश्चित रूप से स्वर्ग का अधिकारी है। ईश्वर का नाम लेने की बजाय उसकी व्यवस्था में हाथ बटाने का पुण्य अधिक है। अच्छा, आप सबको मेरा जहाँ तक अनुमान है मेरी लघु कथाएं पसंद आई होंगी, आपने सुनी होंगी, आपके कमेंट पढ़ती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। फिर भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ, आभार मानती हूँ आपका। और देवेंद्र जी जोशी साहब के आभार का, तुम आभार प्रकट करने के लिए तो मुझे जैसे शब्द ही नहीं सूझ रहे हैं। ये मंच प्रदान किया उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और बहुत बहुत धन्यवाद है आप।